नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में आए दिन हनी ट्रैप के मामले सामने आते रहते हैं। नेताओं से लेकर आम आदमी तक हनी ट्रैप का शिकार हो चुका है, बल्कि आज भी युवतियों के जाल में फंसकर लोग हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। हालांकि पुलिस हनी ट्रैप से जुड़े केसों को लगातार खुलासा भी कर रही है, बल्कि लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह देती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लड़कियों के हुस्न के जाल में फंसकर हनी ट्रैप का शिकार हो ही जाते हैं। ऐसे ही एक गिरोह का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुलासा भी हुआ है और पुलिस ने गिरोह में शामिल मुंबई के दो लड़कियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि इस गिरोह का खुलासा हुआ कैसे। दरअसल ये लड़के हजरतगंज के रहने वाले अजय गुप्ता नाम के एक शख्स की कार में जबरन बैठ गई। इस बीच उनके दो साथी भी मौके पर पहुंचे। वहीं जब अजय ने विरोध किया तो लड़की ने अजय को रेप के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर पैसों की डिमांड की। हालांकि किसी तरह अजय ने इन लोगों के चुंगल से अपने आप को छुड़ा लिया और सीधा जाके थाने में शिकायत दर्ज करा दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास से चारों आरोपियों को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि गिरोह में शामिल ये लड़कियां युवकों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाती थी, इसके बाद उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाती थी और फिर शुरू होता था इनका असली खेल। हनी ट्रैप के गिरोह में शामिल ये लड़कियां अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी और बाद में उनकी अश्लील तस्वीरें खींच लेती थी। इसके बाद ना सिर्फ ब्लैकमेल करती थी, बल्कि नकली पिस्टल दिखाकर डराने के साथ साथ बदनाम करने और फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूलती थी। हैरत की बात तो यह है कि पुलिस पर रौब झाड़ने के लिए इन लोगों ने अपनी कार में हूटर और विधायक के स्टिकर भी लगा रखे थे। आज भी कई लड़कियां शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में हनी ट्रैप जैसे कांड कर रही हैं। ऐसे गिरोह और लड़कियों से लोगों को ना सिर्फ बचने की जरूरत है, बल्कि इनसे सतर्क भी रहना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।